देखिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित एसएमएस अस्पताल के अंदर प्रोबेबली एशिया के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट हैं और हर वैरायटी ऑफ पेशेंट हैं। करीब करीब 1.5 से 2,000 पेशेंट प्रतिदिन यहाँ आते हैं और हमारा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट पर ईयर करीब करीब 3 से 4 लाख के बीच में बैठता है। इसमें डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी डिजीज कम्स। कुछ समय से हम देख रहे थे कि कॉस्मेटिक पार्ट जो है उसमें काफ़ी अवेयरनेस आई है और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स बाहर बहुत महंगे थे। हम जब हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी मीटिंग में डिस्कशन करते थे, क्योंकि हमारे रेगुलर फीचर है, हम सब पूरी फैकल्टी साथ बैठते हैं और डिपार्टमेंट के अपलिफ्टमेंट प्लस डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स को हम लोग वर्किंग को हम एनालाइज करते हैं, तो मेरे जितने भी साथी हैं सबकी एक ही चीज़ रहती थी कि सर, अपन कॉस्मेटिक पार्ट के अंदर बहुत पीछे हैं। और कॉस्मेटिक पार्ट जो होता है डर्मेटोलॉजी का, जिसमें डिफरेंट लेज़र्स होती हैं, हाइपो होती हैं, पीआरपी थेरेपी होती है, उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे आपके इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होते हैं। एक बहुत ही अजीब आस्पेक्ट जो था, जो पेशेंट बड़ा सहमता हुआ डरता हुआ हमें अपनी सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता था, तो यही सोच करके हमने हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बगरट्टा को एक दिन रिक्वेस्ट करी कि आप इस हमारे डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी में अपग्रेड कराने के लिए राज्य सरकार से कम्युनिकेशन करें। और जब बजट घोषणा के लिए जब हमारे से प्रपोजल तैयार हो रहे थे, तो ये प्रपोजल हमने भी दिया और राज्य सरकार ने इसको पहचाना, इसकी नीड को पहचाना, और फिर मुख्यमंत्री जी ने हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी के लिए बजट घोषणा के अंदर 7 करोड़ रुपये सेंक्शन करें। इसमें 2 करोड़ के तो हमें इक्विपमेंट्स के लिए कहा है, सेंक्शन किया है, और 5 करोड़ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहा है। और चरक भवन के अंदर इसी बिल्डिंग में एक हमारे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो हमारे को इन्होंने जगह आइडेंटिफाई कर दी है और हमें आई का वार्ड जो है उसमें ये जगह दी है और आई को ऊपर प्रीफैब वार्ड में शिफ्ट करने का निर्णय हो चुका है। अब क्योंकि पीडब्ल्यूडी को पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, तो शीघ्र ही राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। अभी तो हम यहाँ पर प्रेजेंट कंजेस्टेड वे में 3-3 लेज़र एक जगह रख के काम कर रहे हैं, फिर हर जगह के लेज़र का अलग अलग हम केबिन बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग सेक्सुअल वेलबींग क्लिनिक जो है, इसमें पुरुषों के अंदर और स्त्रियों में उनकी जो लिबिडो की लॉस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसको इम्प्रूव करने की दवाई ट्रीटमेंट देंगे एक विशेष मशीन से। उसके अलावा हम लोग कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी डेवलप करेंगे। एक पीआरपी थेरेपी होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के इलाज होते हैं, जैसे सिर पे बाल उड़ जाते हैं उसका इलाज होता है, लोगों के एक्नी के स्कार्स होते हैं, चिकन पॉक्स के स्कार होते हैं, वो स्कार वो सब चीज़ उससे पीआरपी थेरेपी से इम्प्रूव होता है। और मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपये इन पीआरपी वगैरह की लेती हैं। हम लोग इनको ऑलमोस्ट निःशुल्क वे में ही करेंगे। और लेज़र हम प्रेजेंटली कर रहे हैं, हेयर रिमूवल लेज़र जो है हमारी बहुत अच्छी है, हमारे पास USFDA अप्रूव्ड मशीन्स हैं, हमारे पास ये कभी भी ख़राब नहीं होने वाली इस तरह की टेक्नोलॉजी है, प्लस बैकअप इतना अच्छा है कि कभी कोई इक्विपमेंट में ख़राबी आती है तो विद इन 24 आवर्स वो रिपेयर हो जाता है, तो हमारे कभी वर्क कभी रुकता नहीं है। यस, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी सबसे पहले UK में लंदन में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद इंडिया में कहीं पर भी इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ही हम आगे बढ़े थे, जिसको हमें राज्य सरकार ने फुलफिल किया है। और हमारी पूरी फैकल्टी जो है, अब हमारे पास क्या है कि फैकल्टी के साथ साथ हमारे पास रेजिडेंट्स की संख्या 13 हो गई, 13 इनटेक पर ईयर, दैट इज 39 रेजिडेंट्स, और करीब 7 हमारे पास सीनियर रेजिडेंट्स की सेंक्शन स्ट्रेंथ है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है डॉक्टर्स का, और हर डॉक्टर एंथुजियास्टिक है अबाउट वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी एज फार ए कॉस्मेटिक पार्ट इज कंसर्न। और डिफरेंट डायमेंशंस हैं इस इंस्टीट्यूशन के बहुत डायमेंशंस होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली पूरे कंट्री के अंदर हम लोग ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को लगेगा कि हम किसी बहुत ही एलिट प्राइवेट हॉस्पिटल में आके गए हैं, जबकि ये SMS हॉस्पिटल राज्य सरकार का, जनता का हॉस्पिटल है, और हम इसमें बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
कि स्पेसिफिकली जो स्किन डिजीज होती हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट तो हम एज ए यूजुअल जो करते ही करते हैं, लेकिन जो एडिशनल पार्ट जो कॉस्मेटिक जो ऐड हुआ है उसके पॉइंट भी से जो हम आज पहले हमारे पास नहीं थी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, उसमें जो रिंकल्स है, पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, इन सभी चीज़ों में काफ़ी जो हेल्पफुल रहेंगी। और कुछ बीमारियाँ जैसे विटिलिगो है उसमें भी काफ़ी सभी के लिए होती है, सभी ग्रुप में होती है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक्जामर लेजर जो हमारी जो यूज़ करेंगे वो आगे फ्यूचर में, और सोशल वेलबिंग वाली जो परेशानी जो होती थी मेल फीमेल सभी में लिबिडो डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू एज की डिजीज की वजह से, उसमें भी हमारी जो लेजर मशीन आएगी तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए।